हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 के एग्जांपल नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो आपका इक्वेशन दिया गया है इसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। तो सिंपली ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं है, सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होगा। तो किस तरह से बनाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम लो। एलसीएम हो जाएगा एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस एक्स को यहाँ भेज दोगे तो ये हो आपका हो जाएगा 3x। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अब यहाँ पे से आपको a जो कि आपका 1, b जो कि आपका है माइनस 3 और c जो कि आपका 1, तो इसको चेक करना होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज करते हो, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। 5 क्या है, 0 से बड़ा है। तो आपको पता है x इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है। x इज इक्वल टू लिख दोगे माइनस बी, कितना है आपका बी है आपका माइनस 3, माइनस 3 प्लस माइनस और बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इसे आपने निकाला है, कितना निकाला है रूट 5 निकाला है। रूट 5 को पुट कर दो और 2 इंटू ए है आपका कितना, ए है आपका 1। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, यहाँ से 3 हो गया प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। तो देखो एक्स के दो वैल्यूज आ गए, तो यहाँ पे लिख दोगे सो द रूट्स क्या क्या है। एक तो है आपका 3 प्लस रूट 5 बाई 2, दूसरा है आपका 3 माइनस रूट 5 बाई 2। तो ये आपके रूट्स हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लाओ। तो सबसे पहले यहाँ भी आपको एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो यहाँ पे x है ऑलरेडी, तो x से इसको डिवाइड करो तो एक्स एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा एक्स माइनस 2। तो सिंपली लिख लो एक्स माइनस 2 और उसके बाद यहाँ पे देखो एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 2 ये कट जाएगा तो ये एक्स हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। और एक चीज़ यहाँ देख लो, एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 2, एक्स की जगह पे 0 और 2 नहीं रख सकते, तो उसका हमें यूज ही नहीं होगा। सिंपली एक्स माइनस 2 माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और ये सभी इधर आ जाएगा। तो सिंपली अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे जब ये करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको ऊपर ले गए, यहाँ पे जब देखो ये और ये कट जाएगा और थोड़ा सा और यहाँ पे दिया दोगे तो ये माइनस 2 और इसको ओपन करोगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, उसके बाद एक स्टेप और करोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। और एक स्टेप और करो तो इसको लिख सकते हैं क्या, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब सिंपली हमको ए बी सी लिखना है। तो ए यहाँ से आपका कितना है, ए आपका 3, बी आपका यहाँ से माइनस 6 और यहाँ से सी कितना है, सी आपका 2। तो आपको पता है एक फॉर्मूला, सबसे पहले लगाते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू बी कितना है आपका, बी आपका माइनस 6, इसका स्क्वायर करोगे माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये करोगे तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 12 और 12 क्या है, 0 से बड़ा है। तो ठीक है एक फॉर्मूला है उसको लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस और बी कितना है, बी है आपका माइनस 6 देन प्लस माइनस और रूट 12 डिवाइड बाई 2a, ये आपका 3 है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट, अब देखो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 बाई 6। एक स्टेप और कर लो, यहाँ से 6 प्लस माइनस और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा रूट 3 बाई 6। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें सबको, अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं
टू से अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये थ्री हो जाएगा, ये प्लस माइनस टू रूट थ्री, टू टू ये टू भी कट जाएगा, टू भी कट जाएगा और ये थ्री हो जाएगा। तो एक स्टेप हम लोग लिख लेते हैं, थ्री प्लस माइनस रूट थ्री बाई थ्री, टू से हमने डिवाइड कर दिया इसको, और सिक्स को टू से डिवाइड करोगे, सिक्स को टू से डिवाइड करोगे थ्री होगा, टू को टू से डिवाइड करोगे वन हो जाएगा, और सिक्स को टू से डिवाइड करोगे तो थ्री हो जाएगा। यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली इसको हटा दो तो ये वन है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे से दो वैल्यूज आएंगे, तो यहाँ पे से लिख सकते हो सो द रूट्स, रूट्स आर कौन कौन से है, तो एक तो है आपका थ्री प्लस रूट थ्री बाई थ्री, रूट थ्री बाई थ्री, और दूसरा है आपका थ्री माइनस रूट थ्री बाई थ्री। तो ये आपके दो रूट्स आ गए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो वीडियोज के अपडेट के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर से करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।